कोई दीवाना पागल कहना, कोई तो मौके का छल कहना, हो कोई दीवाना पागल कहना, कोई तो मौके का छल कहना, बिना पियल कर मौके मातल कहना, कोई दीवाना पागल कहना, कोई तो मौके का छल कहना, अरे कोई दीवाना पागल कहना, कोई तो मौके का झल कहना। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वंडरलस्ट अनुज, एंड सबको सलाम नमस्ते एंड जोहार। सो क्या हाल चाल है और आप लोग का स्वागत है हमारे लद्दाख राइड में डे फोर में। और अभी रात के बज रहे हैं 10:10 हो रहा है और देख लीजिए यहाँ पर है सूरज भाई, अभिषेक भाई, सॉरी सूरज भाई, और इधर अपना हमारा गुरु अभिनव गुरु। अपना बाइक देखो इधर कैसा है। पहले ये जो हमारे साथ नए राइडर आए हैं उनका ये बाइक है, अभिषेक नाम है इनका भी, पटना से जो आए हैं। इधर है अभिषेक भाई का बाइक देख सकते हो और इधर है अपनी बाइक देखो। सबसे ज़्यादा भी टेंशन ये हो गया ना आलोक भाई ने तो अब बोला कि नहीं जाएंगे, उनका तबीयत ठीक नहीं है। तो अब ये भाई क्या करते हैं, इनको एडजस्ट करने का कोशिश किए थे हम लोग एवेंजर में जो पटना से आए हैं भाई, लेकिन वो बोले कि उनको दिक्कत हो जाएगा। तो ये अभी देखो अपना बाइक में इसको एडजस्ट कर रहे हैं, क्या करें, साथ में आए तो भाई करना पड़ेगा। इतना लगेज हो गया है, मेरा भी लगेज है, इनका भी लगेज है, अभी नौ का लगेज है यहाँ पर बनाने के लिए पिलियन। अभी मेरे को चलना पड़ेगा यहाँ से, सो बहुत लोडेड हो जाएगा बाइक में। ऑलरेडी मेरा बाइक बहुत लोडेड था, आप लोग देखे होंगे लास्ट वीडियो में बहुत सामान था, गैस सिलेंडर है, बहुत चीज़ है। हम लोग निकल रही है रात में, हम लोग राइड करेंगे ये दिल्ली से मनाली तक का। देखो कितना टाइम लगता है, यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर है, लगभग 12 से 13 घंटा अकॉर्डिंग टू गूगल में 12 घंटा लगना चाहिए, लेकिन हम लोग को लगता है कि लग जाएगा कम से कम 13-14 घंटा लग जाएगा, नॉट श्योर, देखते हैं कब तक हम लोग पहुँचेंगे। देखो पूरा हालत पसीना हो गया है, अभी खाना भी नहीं खाया है, निकलेंगे यहाँ से खाना खाएंगे। सो चलो भाई एंजॉय करना, आज का नाइट हम लोग का नाइट राइड होने वाला है, नाइट राइडर्स सारे लोग, क्योंकि गर्मी भी दिन में बहुत है, तो इसलिए आज हम लोग ने सोचा कि नाइट में ही राइड करते हैं। तो भाई लोग देखो जो होटल में हम लोग यहाँ पर रुके थे ये है, देखो होटल राज है यहाँ पे नोएडा में सेक्टर 18 में। और इधर रहे अभिषेक भाई जो पटना से आए हैं। 11:02 हो गया, पूरा 11 बजे हम लोग निकल रहे एग्जैक्ट। चल भाई फर्स्ट टाइम मैं राइड करने वाला हूँ पिलियन के साथ, इतना लंबा भी लद्दाख, माय ड्रीम राइड। सोचे नहीं थे कि इतना ऐसा सिचुएशन हो गया कि करना ही पड़ रहा, अब क्या करें। 3 दिन हम लोग यहीं पर खाना खाए, बहुत टेस्टी खाना, घर के जैसा, और इतना कम प्राइस में कि पूछो मत, 30 से 40 रुपये में आपको अच्छा खाना मिल जाता है। सो खाना खा के ही निकलते हैं भाई यहाँ से। सो इस राइड की शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रार्थना के साथ। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे संग हो लीजिए इस राइड में, हम लोग जितने लोग जा रहे हैं पांचों के आप संग हो लीजिए। ज़रूर हम लोग रात में ट्रैवल कर रहे हैं, रात में ट्रैवल करना रिस्की होता है, हम तीनों बाइक के संग हो लीजिए, हर एक खतरों मुसीबतों दुर्घटनाओं से हमें बचाइए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभिनव का एक बैग हम लोग अभिषेक भाई के जो पटना से आए हैं सो उसमें हम लोग ट्रांसफ़र किए एक बैग। अब से आगे से इस वीडियो में कन्फ्यूज़न मत करना जो पटने से अभिषेक, क्योंकि हम लोग के ग्रुप में 2 अभिषेक है, शुरू से जो मैं बोल रहा था अभिषेक तो वो था TNB अभिक है, तो उसको मैं रामगढ़ वाला बोलूँगा और इसको इनको मैं अभिषेक भैया बोलूँगा पटने वाले जो है, क्योंकि वो हम लोग से बहुत बड़े हैं। चलो अभी देखो नोएडा से निकल रहे हैं, 11:50 हो चुका है डिनर करने के बाद, देखते कितने बजे पहुँचते हैं भाई। चांदनी सी रात में तेरे ख्वाब में जगा हुआ सा हूं तेरे। हम लोग तो निकल चुके हैं भाई लोग, बस गूगल मैप के भरोसे चल रहे हैं। मेरा पीछे बैठा हुआ है अभिनव और वही बता रहा है, बस खाली एक बार हाईवे मेन पकड़ ले उसके बाद तो उतना दिक्कत नहीं होगा। नोएडा में तो मैं भरवाया नहीं तेल, तो अभी इंडियन ऑयल दिल्ली है, ये दिल्ली है तो डलवा ही लेते, 2 खूटी है आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रेट थोड़ा ज़्यादा है, 100 रुपीज़ है। चलो सो गाइस देखिए पानीपत होते हुए हम लोग जाएंगे और अभी 86 किलोमीटर यहाँ से बता रहा पानीपत, सीधे जाना है हम लोग को पानीपत अम्बाला होते हुए निकलेंगे हम लोग। भाई साहब देखो क्या नज़ारे हैं, स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ है और 8 लेन है ये, बस रोड ऐसे ही रहे तो मज़ा आ जाएगा। अभी लगभग 10 किलोमीटर से तो रूट यही है,
अरे चार पांच किधर श्रीनगर आते हुए। ओके ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। ये भी जा रहे हैं लद्दाख, ये लोग फॉर्च्यूनर में जा रहे हैं, ये लोग भाया श्रीनगर होते हुए जा रहे हैं। अभी हम लोग हरियाणा तो घुस चुके हैं और फर्स्ट टाइम मैं हरियाणा आया हूँ और मेरा बाइक भी फर्स्ट टाइम हरियाणा आया है। सो देखो कितना सारा गाड़ियाँ इसमें दिखती है, इस रोड में बहुत बिजी रोड है। रात में, रात का भी 2:16 हुआ है। मैं तो तेल लिया था दिल्ली से। सो ये अभी हरियाणा का जो रेट है वो है आपका 89, ये तो डीजल है 97.69। कोई बात नहीं, भाई साहब आगे जा रहे हैं पूरा मस्ती करते हुए, बियर पीते हुए, सिगरेट फूंकते हुए, मुंडी निकालते हुए अपना विंडो से बाहर निकल के। भाई दारू पी के ड्राइव मत करो, अच्छा से चलो भाई, मस्ती करना है कहीं उतर के मस्ती करो, रोड के साथ मस्ती मत करो, राइड करते समय या ड्राइव करते समय मस्ती मत करो। सुबह के बज रहे अभी 3:30 और हम लोग पानीपत पहुंच चुके हैं। 4 किलोमीटर है पानीपत और यहां से चंडीगढ़ 152, अम्बाला 114 किलोमीटर। हीरो का कोई बाइक है, स्प्लेंडर है, पर भाई इतना भगा के चल रहा ट्रिपल लोडिंग में पूछो मत। मतलब हेलमेट तो नहीं है, लेकिन इतना मैं बोलना चाहता हूँ भाई कोई भी बाइक को कम मत समझना। आगे वाला देखो भयानक स्पीड में भाग रहा भाई। देखो ये देख रहे हो भाई कैसे चल रहा है। अभी हम लोग पेट्रोल पंप के पास है, देख सकते हैं पेट्रोल पंप। सो आप लोगों को पता होगा सुबह का काम नेचर कॉल, सो इसलिए हम लोग यहाँ रुके हुए थे। लगभग 15 मिनट से यहाँ रुके हुए थे। आज हम लोग कवर किए, मतलब रात में जब हम लोग जर्नी शुरू किए थे दिल्ली से, तो 200 किलोमीटर अभी तक हम लोग चले हैं। अम्बाला से हम लोग 38 किलोमीटर हम लोग पहले हैं। और एक जन को देखिए कैसे सो गया वहाँ पर। और रोड के बारे में क्या बताऊँ, रोड तो आप लोगों को देख ही रहे होंगे। शुरू में हम लोग को 8 लेन मिला था, फिर अभी तो 6 लेन है, पर इतना बिजी रोड है, इतना ट्रैफिक है भाई पूछो मत। मतलब बस और ट्रक होता ना आपस में भाई रेस लगाता है, ऐसा बहुत बिजी रोड था। अम्बाला कैंट है, यहाँ से 29 किलोमीटर चंडीगढ़ 88 और जलंधर 214। और ये जो NH आप लोग जो देख रहे हो, जो दिल्ली से हम लोग लिए, ये NH 44 है। उजाला हो चुका है, सनराइज हो चुका है। सो पता नहीं देखो कब तक पहुँचते हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट काम है भाई RT-PCR टेस्ट करवाना है। यहाँ एक्सीडेंट हो गया है भाई ज़बरदस्त, लगता नया ही हुआ है, मतलब रात में ही हुआ है। ड्रोन उड़ाने का कोशिश कर रहे थे जहाँ पर हम लोग रुके थे पेट्रोल पंप में, पर इतना सारा कबूतर और कौवा आ गया था तो पूछो मत। तो फिर उसको फट से लैंडिंग कराना पड़ा, तो ज़्यादा ड्रोन शॉट तो ले नहीं पाए। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे।
तो भाई लोग अभी हम लोग पहुंच गए हैं अम्बाला, इंडिया का लार्जेस्ट मिलिट्री कैंप यहीं पर है अम्बाला कैंट में। हाँ हाँ आगे जाओगे ना? हाँ हाँ करोगे हाँ। सो भाई लोग वहाँ से देखो दो रास्ता था, वहाँ से अगर आप बायां होके जाते तो चंडीगढ़ होके जाते। गूगल मैप के द्वारा हम लोग जा रहे हैं तो गूगल मैप ने इस रूट को दिखाया और वो अंकल बोले कि नहीं इस रूट में आपको नज़दीक पड़ेगा, शॉर्ट पड़ेगा। और ये जो देख रही है अम्बाला शहर है, ऊपर चढ़ना है नीचे से जाना है। अभी जो हम लोग पकड़े हैं वो है NH 205A है। और एक बार जितना भी अभी गाड़ियां देखते हैं तो दिल्ली की गाड़ियां ज़्यादा, कोई अभी भी दिल्ली की गाड़ी पार हुई, दिल्ली की गाड़ियां ज़्यादा दिखती है। मतलब दिल्ली वालों लोग के लिए तो भाई हर चीज़ नज़दीक होता है। मनाली मन किया मनाली चल जाओ, एक नाइट की जर्नी ले चल जाओ, फिर उत्तराखंड भी आप कभर जा सकते हो। पर हम लोगों के लिए झारखंड से आना बहुत दूर हो जाता भाई। तो भाई लोग झारखंड से चलते चलते पंजाब भी हम लोग घुस गए और ये हम लोग का पंजाब छठवां स्टेट है, झारखंड बिहार यूपी दिल्ली हरियाणा और फाइनली पंजाब। तो गाइस अभी अपने यहाँ पर हमने रुका है ढाबा में, यहाँ पर हो रही अपनी ब्रश, देखिए इसका ब्रश भुला गया है। उंगली कर रहा उंगली। तो यहाँ से अभी हम लोग का और है 300 किलोमीटर और है मनाली, हम लोग यहाँ ब्रश कर रहे हैं फिर नाश्ता करेंगे। और कोई दीवाना पागल कहे ना, कोई तो मौके का चाल कहे ना, हो कोई दीवाना पागल कहे ना, कोई तो मातल कहे ना, कोई दीवाना पागल कहे ना, कोई तो हम लोग ने मंगाया है आलू प्याज के पराठे और दाल है, मजा आ गया। कोई तो मौके का झाल कहे ना, उकर से मोके काले बाजाल कहे ना, हो कोई दीवाना पागल कहे ना, कोई तो मोके गाजाल कहे ना, अरे कोई दीवाना पागल कहे ना, कोई तो मोके गाजाल कहे ना। आप लोग को उधर नहीं दिख रहा होगा पर हमें पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं। ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां। और देखो भाई हम पहुंच गए हैं इस नदी के पास और यहाँ का देखो भाई प्रेशर, देखो भाई क्या ज़बरदस्त है बहाव देखो। बस हम कुछ ही देर में लगता है मुझे पंजाब और इसका हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस कर दूँगा। सामने का नज़ारा देखो, पहाड़ दिखना अब शुरू हो चुके हैं, घाटी अब हम चढ़ने वाले हैं। जो भी हमारा नींद आ रहा था, हमको नींद आ रहा था, सब नींद अब दूर चला गया, फट चुका है क्योंकि अब दिखने वाले हैं सुंदर सुंदर नज़ारे। 340 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और लगभग अभी भी 200 किलोमीटर के आसपास और है, 210-220 जो घाटी है। यहाँ से है कुल्लू 185 किलोमीटर और मनाली है 226। ऑसम व्यू भाई ऑसम। बस मेरा बाइक अच्छे से परफॉर्मेंस दे दे क्योंकि भाई बहुत लगेज हो गया है, बहुत मैं पिलियन भी ले लिया हूँ। अब ये देखना बाइक मेरा मनाली से ऊपर चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। और अगर आप लद्दाख जाना चाहते हो तो लद्दाख जाने के लिए दो रूट है, आप एक श्रीनगर होके जा सकते हो और एक मनाली होते हुए जिससे हम लोग जा रहे हैं। मैंने इस रूट को इसलिए सेलेक्ट किया
क्योंकि पहाड़ के दर्शन जल्द से जल्द हो जाएं, और दूसरा घाटी में चढ़ते हुए ही मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब तो ऐसे नज़ारे आप लोगों को दिखेंगे भाई। सो भाई साहब, हम लोग हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। सातवां स्टेट है भाई हिमाचल प्रदेश हम लोग का, झारखंड से निकला हुआ। और सच बताऊं तो मैं हिमाचल प्रदेश पहले भी आ चुका हूं, और सामने का नज़ारा देख लो। पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एट क्लास में था, उस समय हम लोग का स्कूल से ट्रैकिंग के लिए हम लोग को लाया गया था, शिमला लाया गया था। लेकिन उस समय का बात कुछ अलग था। अभी देखो रोड भी बन चुका है, 4 लेन हो चुका है इधर भी। सो देखते हैं कहाँ तक बना हुआ है, ये मनाली तक बना हुआ है कि नहीं। ओ भाई साहब, गाड़ी कैसे पलट चुका है, देखो टमाटर है, टमाटर गिरा हुआ। ऐसे ये रोड अभी ऑन कंस्ट्रक्शन है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ये रोड अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ट्रक वाले, थैंक यू ट्रक वाला भाई साहब ने भाई पास दिया, थैंक यू बोला। लोकेशन देखो भाई ज़बरदस्त, और खाई है भाई। अभी जस्ट हम लोग घाटी मतलब एक पहाड़ चढ़े थे, फिर अभी देखो उतर रहे हैं। यही होता है, एक पहाड़ चढ़ा जाता है, फिर उसको उतरा जाता है, फिर दूसरा पहाड़ चढ़ा जाता है। सो अभी हम लोग नीचे में थे, 1000 फीट सी लेवल से ऊपर थे। अभी सीधे हम लोग 6500-7000 फीट ऊपर जाने वाले हैं। मनाली है अराउंड 6500 फीट ऊपर है फ्रॉम सी लेवल। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो और ऊपर जाने वाले हैं। सतलुज रिवर अभी हम लोग पार करने वाले हैं। ये ब्रिज है, और नीचे से जो पानी बह के आ रहा है, जो कि हिमालयन से बह के आता है बहुत सारा, जो पानी गिरता है, वाटर क्रॉसिंग जो हम लोग करेंगे, मतलब वही सब पानी, छोटा छोटा पानी जहाँ से बह के आता है, एक जगह जमा होके सतलुज बनता है। अभी हम लोग पहुँचे हैं बिलासपुर, एक है जगह है मंडी से पहले। मंडी है आपका 62 किलोमीटर और मनाली है 172। सो हमारे पीछे बैठा हुआ अभिनव भाई, जो कि हरदम 10-15 मिनट में उसको झुक किया जा रहा है, जिस वजह से उसको उठाते हैं और आँख में उसके पानी मारते हैं रोक के, उसकी वजह से काफ़ी लेट हो जा रहा है। और फिर झुक रहा है का अभिनव, फिर झुक रहा है का, फिर नहीं आ रहा है तो बस बैठा देते हैं तुमको, चलो। सो भाई लोग, हम रुके हुए बिलासपुर से आ गए। अभी जैसे मैं बता रहा था, अभिनव को बहुत नींद आ रहा है, बार बार वो सो जा रहा है। सो एक मैक्स आया हुआ है, मैक्स से आप लोग को मिलवाते हैं। ले मैक्स, भैया का पप्पी है ये, लेबरा है देखो, ये 45 डेज का हुआ है। तो और मनाली से अभी हम लोग 150 किलोमीटर दूर है, देखते हैं। हम लोग सोच रहे कि कुल्लू में ही रुक जाएं, क्योंकि जैसा हम लोग अभी सिचुएशन है, दिन के बज चुके हैं 3:30, टाइम भी नहीं है। सो देखते हैं भाई लोग, क्योंकि हर एक 15-15 मिनट में हम लोग रुक जा रहे हैं, मतलब नींद तो आ रहा है अभिनव को बहुत ज़ोर, और सोया भी है, पावर नैप भी लिया है पेट्रोल पम्प में, फिर भी नींद आ रहा है। तो मेरा लेफ्ट साइड में इधर आप देखोगे तो पूरा एक बहुत अच्छा लेक है, और बहुत अच्छा एक नदी भी है बहुत बड़ा। और पर मुझे ड्रोन उड़ाने का भी मन है, पर क्या करें, टाइम नहीं अपने पास। सो यहाँ से अगर आप इधर चल जाओगे तो शिमला चल जाओगे सीधे, और इधर से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो आप चल जाओगे कुल्लू मनाली। किधर, इधर अभिनव को बोला कि बस बैठा देते तुमको बस स्टैंड से हम लोग पिकअप कर लेंगे। लेकिन बस में जाने के लिए रेडी नहीं हुआ, बोलता नहीं जाएंगे बस। हिमाचल में पहली बार पेट्रोल लेते हैं, देखते हैं कितना है। 2 खुट्टी बचा हुआ है, रिजर्व तो नहीं लगा है, फिर भी ले लेते हैं, आगे हुआ कि नहीं हुआ पेट्रोल।
97.56, ठीक है चलो फुल कर दीजिए। जहाँ पर है अभी हम लोग, जगह का नाम तो नहीं पता, पर इतना है कि यहाँ पर एक SCC सीमेंट है, देखो का फैक्ट्री है। अब हमको नींद आ रहा है, अब हमको नींद आ रहा है, इसलिए सोलो चल रहा है। नींद आता तो मेरा सोलो अपने आप हो जाता है। सब भाई लोग क्या मस्त नज़ारा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कभी ना कभी मैं ये सपना जरूर देखा था कि ऐसे ही जा रहा हूँ और ये ग्रीन ग्रीन पूरा है पहाड़ एकदम, ऐसा लग रहा है कि मैं ये सपना जरूर कहीं ना कहीं देखा था, क्या पता सच में देखा था कि ऐसे लग रहा है बस सिर्फ मुझे। And I just wanna sink into your crazy laughter. Come on, make me feel until the pain don't matter. Every second here makes my heart beat faster. देखिए फिर से इस बंदे के चलते लेट हो गया, फिर से झूप रहा था, क्या बोले इसको हम, अब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, रास्ते में गिर चुका है बंदे के कारण। देखिए एक और दिक्कत हुआ, सामने वाले को बर्नोल चाहिए। देखिए चाय पीते हुए चेहरा धो के बैठा है अभी। देख लीजिए इस मासूम चेहरे, इसकी मासूमियत के पीछे छिपा हर गलती गाड़ी पर सो जाता है और राइडरों की जान ले लेता है। तो यहाँ पर हो रही अपनी चाय, देखो सब पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और इधर अभिषेक भाई अपना वीडियो बना रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको बंजी रोप से लपेट लेता हूँ अपने में। बोलेगे सो बेटा, अब जिधर गिरेगा अब नहीं गिरेगा। तो अनुज भैया के कहने का ये मतलब है तो भैया ट्रक वाले भैया अपने पास दे देंगे। थैंक यू। ट्रक वाले भैया लोग भी बहुत अच्छे होते हैं जो ड्राइव करते हैं भाई, उनको तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि मतलब देखो इतना वो लोग ऐसा ड्यूटी करते हैं कि दिन रात ट्रक चलाते हैं और जो भी हम लोग खाते हैं खाद्य सामग्री वो पहुँचाने में लाने में मदद करते हैं भाई। पता नहीं ये कौन सा टाउन है कौन सा सिटी है, पर एक छोटा सा टाउन से हम लोग गुजर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। अरे भाई देखो इधर गिर गए, देखो जो ये आप लोग छोटा सा ये टाउन देख रहे हो ये है सुंदर नगर, अच्छा लग रहा है ये भी। और आज हम लोग टोटल किलोमीटर कवर कर चुके हैं, आज क्या बोलोगे कल रात का 12 बजे से बोलो 440 किलोमीटर बस। बगल में एक डैम है सुंदर नगर में ही, देखो इस साइड लेफ्ट साइड में मेरे एक भैया ने बोला कि आप लोग यहाँ कैंपिंग कर सकते हो, लोकेशन देखते हैं। और ये डैम से ही एक नहर निकला है देख सकते हो बायां साइड। देखो सनसेट हो चुका है, शाम हो चुका है, थोड़ा देर में बस अंधेरा हो जाएगा और सामने का नज़ारा देखो क्या बेहतरीन नज़ारा है। सो भाई लोग देखो क्या हुआ कि यहाँ से 70 किलोमीटर कुल्लू है, हम लोग प्लानिंग किए थे कि कुल्लू में रुकेंगे, लेकिन पूरा 2.5 घंटा बता रहा है फुल ऑफ रोड है, 7:09 हो चुका है लेकिन देखो अभी तक कितना उजियाला है यहाँ पे। सो ये अभी हम लोग जहाँ रुके हैं ये है मंडी है, हम लोग सोच रहे कि यहीं पर अगर कहीं हम लोग को कैंपिंग करने के लिए मिल जाए तो अच्छा होगा। सो गाइस आज हम लोग रुके हुए हैं मंडी में और लगभग हम लोग मनाली से 100 किलोमीटर पहले हैं और आज भी हम लोग नहीं पहुंच सके मनाली,
सो आज हम लोग टोटल किलोमीटर जो कवर किए, मतलब आज क्या बोलेंगे, मतलब कल रात के 12 बजे से कवर किए, मतलब 465 किलोमीटर टोटल कवर किए। जो हम लोग आज जो होटल में रुके हैं, ये मोनाल होटल में रुके हैं मंडी के। सो काफ़ी अच्छा होटल हम लोग को मिल गया, बजट में होटल मिल गया, मात्र 1000 रुपया में हम लोग 5 लोग रुके एक रूम में, देख सकते हो आप लोग। सो भाई ये होटल का सबसे अच्छा ये बात है ना भाई कि आप इस होटल के अंदर में पार्किंग कर सकते हो, तो इसलिए हम लोग को वैसे ही खोज रहे थे तो वैसे ही मिल गया। यहाँ से मंडी से जो होटल में हम लोग रुके हैं, यहाँ से जो नज़ारे हैं ना भाई, सुबह आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारे, अगले वीडियो में देख लेना, अच्छा लगेगा आप लोग को।